डिवाइस पॉइंट के साथ मैं अली रजा। आज भाई हम आपको इन दो फोनों के कंपैरिजन करके इन दोनों फोनों की खसूसियत बताएंगे। जो आजकल मार्केट में बात की जाए तो ये दोनों फोन मिनिमम बहुत मुनासिब प्राइस टैग में आए हुए हैं, और अगर इन दोनों की क्वालिटीज के बारे में बात करें तो आपको इन दोनों की क्वालिटीज, फीचर्स के बारे में, इसके अलावा इनमें जो रैम मेमोरी के बारे में भी आपको थोड़ा रिव्यू देंगे। अगर इस कंपनी की बात की जाए, ये आजकल बहुत ज्यादा धूम मचाने वाली जो कंपनी है, इन्फिनिक्स कंपनी में मुनासिब प्राइस टैग में 26,000 में जो फोन है उन्होंने मुतारफ करवाया हुआ है, स्मार्ट 7 के नाम से ये मार्केट में उन्होंने लॉन्च किया गया हुआ है। अगर इस सोनी एक्सपीरिया की बात की जाए तो ये भी उसी प्राइस टैग में आपको 22,000 तक मिल जाता है। बकायदा इसकी लुक की बात की जाए तो आपको कैमरे में बहुत ही यूनिक लुक में, और साइज की बात की जाए तो साइज दोनों का आपको नजर आ रहा होगा, ये थोड़ा सा दोनों बहुत ही एक अच्छे मिनिमम बहुत ही कमाल की लुक में उन्होंने दे दिए गए हुए हैं। इसके अलावा अगर इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँ तो ये इन्फिनिक्स कंपनी का स्मार्ट 7 जो है ये 5,000 mAh बैटरी के साथ उन्होंने दिया गया हुआ है। अगर कैमरे की बात की जाए तो कैमरे उन्होंने बहुत ही एक यूनिक शेप में दो कैमरे, फ्लैश लाइट, इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स की ऑप्शन भी इसमें दी गई हुई है। अगर बैक की बात की जाए तो बहुत ही एक हट के लुक डिजाइनिंग की गई हुई है। जिसके अलावा अगर नीचे की तरफ आए तो हमें एक माइक्रो माइक्रो पिन मिलती है चार्जर के लिए, जो आम चार्जर होता है। इसके अलावा अगर देखने को मिलती है तो स्पीकर ग्रिल हमें देखने को मिलती है, माइक देखने को मिलता है, और ये हैंड फ्री की ऑप्शन है वो देखने को मिलती है। अगर साइड में बात की जाए तो हमें साइड में एक पावर बटन मिलता है, वॉल्यूम बटन दो मिलते हैं। इसके अलावा अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.5 का एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। इसके अलावा सिम ट्रे वाली साइड पे ऑप्शन है। चले अगर सोनी एक्सपीरिया की बात की जाए तो ये सोनी एक्सपीरिया का बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही एक खूबसूरत लुक में ये फोन है। कलर्स की बात की जाए तो मेरे पास तो रेड कलर है, बकायदा ब्लैक कलर और व्हाइट कलर भी आपको इस चीज में मिल जाएगा। अगर स्मार्ट 7 की बात की जाए तो स्मार्ट 7 में भी आपको इजीली 2, 3, 4 कलर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर इसके शेप क्वालिटी की बात की जाए तो कैमरे की बात की जाए तो कैमरा भी बहुत ही एक यूनिक स्टाइल में बनाया गया हुआ है, फ्लैश लाइट लगाई गई हुई है। इसके अलावा एक शीशे की बैक है, बहुत ही क्रिस्टल की बैक बनाई गई है जो आपको लुक नजर आ रही होगी। इसके अलावा ये फोन कैमरे का बाप माना जा रहा है कि भाई इसका कैमरा बहुत ही एक अच्छा होने वाला है आम फोन की निस्बत। तो बकायदा उन्होंने कैमरे वाले सारे ऑप्शन लगाए हुए हैं, बेंड बटन के साथ आप उसको तस्वीरें वगैरह बना सकते हैं। इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.5 का इसका भी डिस्प्ले एक बनाया गया हुआ है, चौड़ाई में जरा थोड़ा कम है, बाकी लंबाई में 6.5 ही दिया गया हुआ है। इसके अलावा इसके फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा भी 5 MP का दिया गया हुआ है। अगर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 की बात की जाए तो इसका कैमरा 3 MP दिया गया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने एक फास्ट चार्जर टाइप सी पोर्ट दी गई हुई है। अगर इसकी ग्रिल की बात की जाए तो स्पीकर ग्रिल एक बहुत ही अच्छी दी गई हुई है, जिससे इसकी आवाज स्मार्ट 7 से ज्यादा हो सकती है। चले इन दोनों को अभी हम इन दोनों को ऑन करते हैं और आपको इनके बारे में, इनकी स्पीड के बारे में, जरा थोड़ा सा डिस्प्ले के बारे में भी रिव्यू देते हैं। चले वॉच करते हैं और इसके डिस्प्ले के बारे इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। चले सबसे पहले हम इन दोनों फोनों को आपको ऑन करके इनकी स्पीड के बारे में बताएंगे। चलें हम सोनी एक्सपीरिया और इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 को ऑन करते हैं, देखते हैं इनके स्पीड का क्या हमें पता चलता है कि भाई जो फास्ट स्पीड वाला कौन सा फ़ोन है और जल्दी कौन सा फ़ोन ऑन होता है। चलें ऑन करते हैं तो आपको इनका रिव्यू देते हैं। बकायदा आपके सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो तो जो सोनी एक्सपीरिया है उसने सबसे पहले ऑन करके अपना बताया भाई कि ये इसमें फिंगरप्रिंट्स का ऑप्शन भी दिया गया हुआ है, ऑन हो गया भाई। बहुत फास्ट चार्जर, एक फास्ट फोन बनाया गया हुआ है। और इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो ये आपको एक बहुत ही फास्ट डिस्प्ले,
जिस तरह मैंने बोला था कि भाई यार ये एक बहुत ही नहायत अच्छी डिवाइस है, इन्फिनिक्स टेक्नो। इन्फिनिक्स तो चले आजकल प्राइस टैग के हिसाब से लोग बहुत ज्यादा परचेज कर रहे हैं, और बकायदा अगर इसकी सोनी एक्सपीरिया की बात की जाए तो इसका डिस्प्ले आपको नजर आ रहा है, बहुत ही एक फास्ट डिस्प्ले बना दिया गया हुआ है। डिस्प्ले के रिजल्ट की बात की जाए तो आपको लाइट ओपन करके इसके डिस्प्ले के रिव्यू दूं तो आपको बहुत ही एक एचडी और स्मूथ सा डिस्प्ले डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके कैमरे की बात की जाए तो कैमरे का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा और खूबसूरत होने वाला है। जिस तरह अगर मैं इसके कंपैरिजन आपको करके दिखाऊं, तो अगर इसका आपको मैं अगर इसका आपको मैं कंपैरिजन करके दिखाऊं तो ये देखें आपको बहुत ही एक यूनिक सा रिजल्ट देखने को मिलता है। और पिक्सल की बात की जाए तो पिक्सल भी नहीं इसके फटते, ये देखें इसका रिजल्ट चेक करें, और ये बहुत ही एक फास्ट डिवाइस बनाई गई हुई है। ये देखें अगर जूम इट करके देखें तो आपको फुल एचडी एक डिस्प्ले नजर आ रहा है। इसके अलावा चलें इसके दूसरे फीचर्स की अगर बारे में बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक मोड दिया गया हुआ है, जिससे आप वीडियो वगैरह व्लॉग वगैरह आसानी से शूट कर सकते हैं। बस इसे आपको इस तरह बेंड करना और बटन को क्लिक करना है तो आपको कैमरा वगैरह ओपन करके भी दिखा सकता है। इसके अलावा इसमें कैमरा प्रो भी दिया गया हुआ है भाई, जिस तरह आप वीडियो वगैरह इससे शूट कर सकते हो इजीली, जिस तरह मर्जी व्लॉग वगैरह, जिस तरह जो भी आप वीडियो बनाना चाहो तो आपको नजर आ रहा होगा इसकी सेटिंग वेटिंग करके तो आप इससे इजीली कोई भी वीडियो भी बना सकते हो। जिस तरह सिनेमे वगैरह में ये वीडियो बनती थी कि भाई ये लो जी आपकी वीडियो स्टार्ट है, वीडियो बना सकते हो फोकस करके अगर आपको दिखाऊं तो ये फोकस करके बहुत ही यूनिक सा रिकॉर्डिंग वगैरह भी आपको दे सकता है। ये तो सोनी एक्सपीरिया हुआ, इसके डिस्प्ले और इसकी क्वालिटी बहुत ही एक शानदार बनाई गई हुई है। इसके अलावा इसकी स्पीड तो आपको पता लग गई होगी कि बहुत एक फास्ट डिवाइस है, बहुत ही मुनासब प्राइस टैग में। इसके अलावा अगर इसकी इन्फिनिक्स की बात की जाए तो इन्फिनिक्स के डिस्प्ले से देखें, डिस्प्ले इसका 6.5 के डिस्प्ले में दिया गया हुआ है हमें फ़ोन, बहुत ही एक मज़े का फ़ोन है ये भी। जो मुनासब रेट वाले भाई हैं जो डब्बा पैक फ़ोन देना चाह रहे हैं, इन्होंने बहुत ही कर्व डिस्प्ले बनाया गया हुआ है। अगर इसकी कलर्स की बात की जाए तो कलर भी इसमें बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, फिंगरप्रिंट्स का ऑप्शन, फेस लॉक, और इसके अलावा जो पासवर्ड वगैरह वाला लॉक भी लगा सकते हैं आप इसे। अगर इसके कैमरे की बात की जाए तो आपको कैमरा भी बहुत ही एक यूनिक सा 8 मेगापिक्सल का दिया गया हुआ है, फ्लैश लाइट दी गई या फिंगरप्रिंट दिया गया हुआ है। इसके अलावा अगर इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए आपको ओपन में भी इसकी स्पीड का अंदाज़ा हो रहा होगा कि भाई जो एक्सपीरिया के सेट हैं वो इन्फिनिक्स से कई हिस्से बहुत ही एक फास्ट डिवाइस है। जिस तरह अगर इसकी इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये भी इतनी कम स्पीड में नहीं है। ये पाकिस्तान में जो लॉन्च किया गया स्मार्ट 7 के नाम से, इसकी अगर एक सबसे अमेजिंग खसूसियात अगर मैं आपको बताऊं तो ये 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी के साथ मुतारफ करवाया गया हुआ है। इसके अलावा अगर इसमें सबसे अमेजिंग जो फीचर्स डाला गया हुआ है, उन्होंने फीचर डाला है कि भाई आप इसकी मेमोरी को एक्सटेंड भी कर सकते हो। जिस तरह 4 GB तो इसकी ओरिजिनल मेमोरी हो गई, इसके अलावा आप इसको 3 GB तक एक्सटेंड कर सकते हो। इसके अलावा और इसके कैमरे की बात की जाए तो कैमरा रिजल्ट भी आपके सामने है, कैमरे में पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया हुआ है, ब्यूटी कैमरा भी। इसके अलावा ये देखें सोनी एक्सपीरिया का भी आपने देखा और इसका भी आप रिजल्ट देख लें तो आपको कंपैरिजन हो जाएगा कि भाई यार कौन सी डिवाइस ज़रा थोड़ी सी फास्ट है, कौन सी अच्छी है। इतना कम इसका भी रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट इसका भी बहुत अच्छा है। प्राइस टैग मुनासिब के लिहाज से तो दोनों सेट बहुत ही एक अच्छे हैं। मुझे ज़्यादा जो पसंद आने वाली चीज़ है वो तो सोनी एक्सपीरिया है। बाकायदा आपको जो सबसे अच्छी चीज़ लगी हो इन्फिनिक्स का स्मार्ट 7 और सोनी एक्सपीरिया 4, अगर इनमें से आपको जो भी ज़्यादा अच्छा लगा हो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं अपनी राय के मुताबिक कि आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा है। इसके अलावा इसके अलावा ये दोनों सेट आपको इजीली कहीं से भी
अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो आप इन्फिनिक्स की आउटलेट से इजीली परचेज कर सकते हैं। अगर सोनी एक्सपीरिया की बात करें तो ये भी आजकल आम मार्केट से आपको देखने को मिलते हैं। बकायदा हमारी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जी अस्सलाम वालेकुम।